आज की कहानी है बेवकूफी भरा सुझाव। एक बार एक जंगल में गीदड़, तेंदुआ और कौवा तीन मित्र रहते थे। तीनों मित्र जंगल के राजा शेर की सेवा करते थे। एक दिन उन्होंने एक ऊंट को जंगल में घूमते हुए देखा। डरे हुए ऊंट को देखकर शेर को उस पर दया आ गई। उसने कहा, मित्र दुखी मत हो, आज से तुम मुझे अपनी रक्षा करने वाला समझो। तुम यहाँ प्रसन्नता के साथ रह सकते हो और खूब घास खाओ, जो यहाँ काफी है। ऊंट बहुत खुश हुआ और अन्य तीनों मित्रों के साथ रहने लगा। दुर्भाग्य से शेर की एक जंगली हाथी से लड़ाई हो गई। हाथी ने शेर को बुरी तरह घायल कर दिया और शेर कमजोर हो गया। वह अपने तथा अपनी सेवा करने वाले अन्य पशुओं के लिए भी शिकार नहीं कर सकता था। तेंदुआ और गीदड़ प्रतिदिन अपने स्वामी के लिए शिकार करते थे, परंतु एक दिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। वे शेर के पास गए और बोले, स्वामी हमने सब जगह खोज लिया किंतु एक भी जानवर का शिकार नहीं कर सके, क्यों न हम ऊंट को मारकर खा जाएं? यह सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। वह बोला, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने उसकी रक्षा का वादा किया है? गीदड़ ने जवाब दिया, मेरे मालिक, आपको उसे मारने की जरूरत नहीं, अगर वह खुद अपने आप को आपके सामने पेश करे तो? अगर आप तब भी इनकार करेंगे तो याद रखिए कि आप जिंदा नहीं रहेंगे और आपके साथ हम सब भी मर जाएंगे। यह तो बहुत बुरा होगा, शेर ने कहा, अगर ऊंट अपने आप को सौंपेगा तो भोजन के लिए मैं उसे मार सकता हूँ, पर सिर्फ उस दशा में जबकि वह खुद को सौंपे। गीदड़ मुस्कुराया क्योंकि उसने पहले ही एक तरकीब सोच ली थी। उसने अपने सब मित्रों तेंदुए, कौवे और ऊंट को बुलाया। उसने उनसे कहा, मित्रों, पिछले कुछ दिनों से हमारे मालिक को खाना नहीं मिला है, अगर यही चलता रहा तो वह भूख से मर जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि हमें एक एक करके अपने आप को उनके भोजन के लिए सौंप देना चाहिए। सभी पशु इस बात को मान गए और शेर के पास गए। सबसे पहले तेंदुए ने शुरू किया। उसने कहा, हे मालिक, मेहरबानी करके मुझे मारकर खा लीजिए, इस प्रकार आप सब बच जाएंगे। शेर बहुत दुखी हुआ और कहने लगा, तुम मेरे परिवार के अंग हो, मैं तुम्हारे बारे में इस तरह कैसे सोच सकता हूँ? तब गीदड़ की बारी आई। उसने भी तेंदुए की तरह वही सुझाव दिया और शेर ने उसे भी इनकार कर दिया। कौवा किसी पशु के भोजन के लिए बहुत छोटा था, अतः अंत में ऊंट की बारी आई। शेर ने अपने किसी भी वफादार सेवक को नहीं मारा, इसलिए वह मुझे भी क्यों मारेगा? यह सोचकर ऊंट ने अपने आप को शेर को सौंप दिया। पर ताज्जुब, जैसे ही उसने अपने आप को सौंपने की बात की, उसी पल सारे पशु उस पर झपट पड़े। हमें किसी पर भी झट विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें यही सिखाती है। धन्यवाद।